नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर मुरैना जिले से है, जहां पर तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों में अब प्रशासन को सफलता मिलती नजर आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके बाबत एक रिपोर्ट भी जारी की है। मुरैना में तंबाकू का नियंत्रण कुछ सफलता की हद तक जा पहुंचा है। तंबाकू के नियंत्रण पर प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तंबाकू नियंत्रण कार्यशाला भी इस मौके पर आयोजित की गई। कार्यशाला में अधिकारियों ने तंबाकू न खाने की शपथ ली। वहीं शासकीय कार्यालय और विद्यालयों के पास संचालित दुकानें और गुमटियों पर तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने दिए हैं। जो रिपोर्ट हमने आज मीडिया में के साथ शेयर किया है, उसमें ये निकल के आया है कि चार घटकों में पोक्टा एक्ट के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण में मुरैना जिले में विगत साल में हम लोगों ने काम शुरू किया है। वो सेक्शन 4, 5, 6, A, B एंड 7 है। और बहुत खुशी की बात है कि पोक्टा कंप्लायंट हम तब हो सकते हैं जब समस्त घटकों में कम से कम 80% जो है हमारा स्कोर आए। इसका जो सर्वे है वो इंदौर के प्रोफेसर्स के द्वारा किया गया है, इंदौर सोशल स्कूल ऑफ वर्क के संस्था के द्वारा थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन था। और हमारा जिला, मैं समझती हूँ कि एकमात्र जिला है जो एक साथ चारों धाराओं का कंप्लायंट आज जो है घोषित किया गया है। जब हम लोगों ने इस पे काम शुरू किया था, सबसे पहले हम लोगों ने बेस लाइन देखा था, क्योंकि इनके कुछ मापदंड है कि टोबैको कंपनी के द्वारा प्रचार प्रसार होर्डिंग किया जा रहा है कि नहीं, और जो दुष्परिणाम है उसका पिक्टोरल वार्निंग दे रहे हैं कि नहीं, दुकानों पे उसका जो है पर्याप्त प्रचार प्रसार है कि नहीं, या पब्लिक प्लेसेस पे धूम्रपान हो रहा है कि नहीं। तो जब हम लोगों ने बेसलाइन को देखा था, तो जो आज हम लोग 80% घोषित हुआ है, कुछ जगह पे 10% था, कुछ जगह पे 40% था, मतलब हमको पता था कि कितना गैप हमें कवर करना है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज ठानी थी कि हम भावनात्मक अपील ज्यादा करेंगे। सबसे पहले भावनात्मक अपील से शुरू करेंगे, लोगों को समझाएंगे इसके साइड इफेक्ट्स कितने हार्मफुल है, कितने खराब है, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज है कि अगर मैं करती हूँ तो मैं सिर्फ अपने लंग्स को खराब नहीं कर रही हूँ, जहाँ खड़ी हूँ उसके आसपास अगर 10 लोग खड़े हैं तो उनको भी जो है हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये मैसेज बहुत प्रभावी साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने किया। इसके अलावा हम लोगों ने फाइन्स भी किए, फाइन्स का भी असर रहा, जिसके वजह से लोगों ने जो है समझना शुरू किया। और एक और जो नीतिगत निर्णय हम लोगों ने ये किया कि आए दिन देखा जाता है कि बड़े बड़े जो टोबैको कंपनीज हैं वो बहुत सारे इवेंट स्पॉन्सर कर देते हैं,